जयमा वैष्णव, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप लोगों का एक और प्रोडक्टिव से व्लॉग में। आंखें तो मेरी बहुत देर से खुली हुई है, लेकिन आजकल ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं करता। आलस करते करते फाइनली मैं 6:30 पर उठी गई। नवरात्रों में नीचे सोने की वजह से मेरे बेड में सोने की आदत छूटी हुई है, इसलिए हाल फिलहाल मैं नीचे ही सो रही हूँ। सुबह उठते ही अगर मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ ना, वो एकदम से गले पर लग जाता है, इसलिए आजकल मैं पानी गर्म कर कर ही पीती हूँ। गर्म पानी एक साथ पिया नहीं जाता, इसलिए सिप सिप करके पीना पड़ता है। और मैं इसी बहाने छत पर भी आ जाती हूँ। अगर नीचे बैठी रहती हूँ तो मुझे वापस से आलस कब चढ़ जाता है और मैं कब सो जाती हूँ मुझे पता ही नहीं लगता। आज का मौसम भी बड़ा सुहाना सा है, हल्की हल्की सी धूप निकल रही है जो बहुत ही अच्छी लग रही है। पानी ना मुझसे खड़े होकर पिया जाता है ना बैठकर पिया जाता है, इसलिए मैं कभी खड़ी हो रही हूँ कभी बैठ जा रही हूँ। आज के ब्रेकफास्ट में मैं आलू के पराठे बनाने की सोच रही हूँ। मैं इसको उबालने के लिए रख जाती हूँ, इतनी देर में नहाऊंगी और ये उबल जाएंगे। सब लोगों ने तो पराठे बनाकर पहले ही खा लिए, क्योंकि भाई नाइट ड्यूटी से आया था और उसे वापस जल्दी से सोना था, इसलिए मम्मी ने उसे पहले ही खिलाकर सुला दिया। मैं नहा रही थी और पराठे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, इसलिए अब मैं अपने लिए बनाऊंगी। वैसे तो आलू के पराठे की स्टफिंग में मुझे और कुछ तिकड़म ज्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन मैं मसाले बहुत तेज रखती हूँ। मुझे नमक मिर्च तेज ही पसंद है और मैगी मसाला डालना वो तो मैं बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। वैसे सही बताऊं तो ब्रेकफास्ट में मुझे जनरली आलू के पराठे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत फुलफिलिंग होते हैं, पेट बहुत अच्छा भर जाता है, मोटापे के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त सा होता है, इसलिए मैं लगभग टाइम आलू के पराठे ही खा रही होती हूँ। अगर मम्मी किसी और के लिए कोई और सब्जी रोटी भी बनाती है तो मैं 2 आलू अपने लिए उबाल कर फटाफट से बना देती हूँ। और हाँ, बिग बॉस देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? मैं तो भरपूर देख रही हूँ, अप टू डेट चल रहा है, और खाते समय बिग बॉस देखने का मज़ा ही कुछ और है। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है बेड में बैठकर नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं खाना है, नीचे बैठकर खाऊंगी, लेकिन ऑटोमेटिकली मेरी टांगे ऊपर चढ़ जाती है। वैसे ना 2-3 दिन से मेरा थोड़ा सा मूड भी खराब चल रहा है। 2-3 चीजें मुझे घर पर बहुत ही खराब दिख रही थी, मेरे बहुत दिनों से उन पर नजर थी कि मुझे इन्हें ठीक करना है। कहते हैं आपका सराउंडिंग आपके माइंड पर बहुत इफेक्ट डालता है, तो मैंने सोचा इन्हीं को ठीक कर लेती हूँ, क्या पता दिमाग भी थोड़ा सा ठीक हो जाए। और हाँ, जब भी मेरा मूड बिन बात के खराब हुआ रहता है ना, तो मैं ऐसी करती हूँ, घर का कोई भी एक कोना पकड़ लेती हूँ, रोने के लिए नहीं सफाई करने के लिए। ऐसा कोना जो बहुत कम साफ होता है, मैं उसे साफ करने बैठ जाती हूँ ताकि मेरा दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। और साथ में ही मैं कभी कभी थोड़ी सी ड्रॉइंग भी कर लेती हूँ, कुछ भी बना देती हूँ ताकि मेरा दिमाग ठीक हो जाए और मेरा दिमाग जिस बात पर लगा है वहाँ से हट जाए, और मैं बहुत हद तक इसमें कामयाब भी रहती हूँ।
इसके बाद मैं बैठ गई थी अपने हैंड वॉश और बॉडी वॉश की बॉटल्स को रिफिल करने के लिए। इतने में मेरी सखी का फोन आ गया कि मैं तेरे पास आ रही हूँ, हम दोनों विशाल मेगा मार्ट चलेंगे, कुछ सामान लेना है मुझे। मैंने कहा चल तू आ जा। अब वो तो आ रही है लेकिन मेरे पास बहुत ही कम समय बचा है, क्योंकि एक बार वो आ गई, एक तो वो लंबा रुकेगी और दूसरा मुझे कोई भी काम करने नहीं देगी, इसलिए उसके आने से पहले मुझे सारे काम फटाफट से निपटाने पड़ेंगे। वैसे मेरे पास गिने चुने दो तीन ही दोस्त हैं और वो बहुत पुराने समय से मेरे साथ हैं, तो बस वही है। नए दोस्त बनाने में मैं कुछ खास इंटरेस्टेड अब रहती नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि सामने से मुझसे कोई बात करे या कुछ करे तो मैं बात नहीं करती हूँ, बात में सबसे करती हूँ, लेकिन दोस्त बनाने में अब मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है। बस कोनों की सफाई में कर ही रही थी कि वहां पर मुझे ये महाशय भी मिल गए। इनकी हालत देखकर आप समझ ही सकते हैं कि ये कितने टाइम से साफ नहीं हुआ है, तो मैंने इसे पकड़ा और इसे भी साफ कर दिया। इसमें ज्यादातर वो सामान रहता है जो हम कम यूज करते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी ये ठीक से साफ नहीं हो पाया। मेरी सखी का भी फोन आ गया था, वो आने ही वाली थी, इसलिए मैं ज्यादा समय और इस पर नहीं लगा सकती थी। अब कभी दोबारा मूड खराब होगा तभी इसे वापस से पकड़ूंगी, अब इसका सामान वापस से मैं लगा देती हूँ। इसके बाद मैं निकल गई थी विशाल मेगा मार्ट के लिए। वैसे तो वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आपको घर का थोड़ा बहुत सामान लेना हो या थोड़े बहुत कपड़े लेने हो तो उसके लिए बेस्ट है, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। अंदर घुसते ही सबसे पहले बच्चों का और बॉयज का सेक्शन आता है, लेकिन कपड़े वाले सेक्शन में मैं बाद में जाऊंगी, पहले मैं ऊपर वाले फ्लोर में जा रही हूँ जहाँ पर घर का सामान मिलता है। तो इन्होंने साइड में ऐसे बिस्किट वगैरह लगाए हुए थे और ये आर्टिफिशियल फूल वगैरह भी लगाए हुए थे जो बड़े सुंदर से लग रहे थे। ऊपर जाते ही सबसे पहले ये बैग का सेक्शन मिला, यहाँ पर आपको बैग्स भी मिल जाते हैं। साइड में टॉयज वगैरह भी लगाए हुए थे, टैडी वगैरह, उनका प्राइस तो इतना ज़्यादा था लेकिन हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मिट्टी वगैरह लगी हुई थी तो कुछ खास लग नहीं रहे थे। थोड़ा आगे जाकर देखा तो वहाँ पर रग वगैरह भी रखे हुए थे, होम डेकोर का इतना बढ़िया बढ़िया सामान रखा हुआ था। इस वाले सेक्शन पर लड़कियों का सारा मामला था, ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह, मॉइस्चराइजर, लोशन वगैरह। मैं देख भी रही थी लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए, पसंद इसलिए नहीं आए क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। लेकिन क्या हुआ, देख सकते हैं, देखने में कोई दिक्कत नहीं है और दिखाना तो है ना कि हम कुछ लेने वाले हैं ऐसे। लेकिन मैं लूंगी लेकिन नीचे से, मुझे कपड़े लेने हैं, ये सामान नहीं लेना है। इसके बाद मैं नीचे आ गई थी और यहाँ पर मेरी दोस्त अपना मामला ढूंढ रही है, उसे चाहिए जॉगर्स सर्दियों के लिए, तो वो वही ढूंढ रही है। इतनी मेहनत करने के बाद भी बिचारी को ढंग से कुछ मिल ही नहीं रहा था, उसे जो पसंद आ रहा था वो हाई हो जा रहा था प्राइस में और बचा कुचा मैं बिचारी को कंफ्यूज कर दे रही थी। इसके बाद हम थोड़े बहुत सामान लेकर ट्रायल रूम में चले गए और मैंने भी एक कपड़ा उठा लिया और ट्रायल रूम में चेक कर लिया, और वो इतना ढीला हो रहा था कि मैंने जैसे पहना उसको वैसे उतार कर फेंक भी दिया, फेंका नहीं, मतलब जहां से उठाया था वहीं वापस रख दिया। बस इसके बाद बिल कर हम वापस घर को आ गए और ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय।